आज हमारा स्पेशल सेशन है कंधों के लिए और चेस्ट के लिए। जिनको कंधे का दर्द हो, हाथ की किसी भी तरह की तकलीफ हो, फ्रोजन शोल्डर हो, उन सब के लिए यह एक्सरसाइज रामबाण है और नियमित रूप से करने पर सभी तरह के दर्दों से छुटकारा मिलता है। तो आइए कंधों की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। अब आगे से पीछे कंधों को गोलाकार घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पीछे से आगे क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सम। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। सांस भरते हुए राइट कंधे को आगे लें, लेफ्ट को पीछे और एकदम थोड़ा एकदम टाइट करते हैं। यस, एक राइट आगे लेफ्ट पीछे खींचा पूरा होल्ड करें। दो ढीला छोड़ें। एक लेफ्ट आगे राइट पीछे। दो ढीला छोड़ें। यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा उसका आप अनुभव करिए। यस, राइट आगे दो, लेफ्ट आगे दो, ढीला छोड़े राइट आगे लेफ्ट आगे। संपन्न। अब कंधों के लिए मैं तीसरी एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूं। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। यस, संपन्न। अब कंधों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, तुरंत राहत पाने के लिए, इमीडिएट राहत पाने के लिए दोनों हथेलियां कंधों पर स्थापित, उंगलियों को पीछे की ओर जाने दें, कोहनियों को मिलाएं। श्वास भरें, छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, कंधों पर प्रेशर बना रहे। श्वास छोड़ते हुए सामने देखें एक बार और, जाए पीछे की ओर, पूरा मुंह बंद खोल करें 3 बार। संपन्न। सामने की ओर देखें एक बार और, जाए पीछे, होल्ड करें 10 के काउंट में। दो, सामने। श्वास भरें, छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न दीजिए, जितना ज्यादा पीछे देख सके देखें। दो, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट साइड। कंधों पर दबाव देना है, पूरा ध्यान से मुझे देखें और करें। एक, दो, एक, और साथ में भावना करें कंधों का दर्द दूर हो रहा है, प्रेशर बना रहे। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। संपन्न। उंगलियों को मिलाएं, समन्वय मुद्रा कंधों पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएं, थोड़ी देर होल्ड करें।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे पसलियों से सटा है। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, सम्पन्न कोहनियों को मिला फ्रंट में चेस्ट के सामने। एक इनहेल करते हुए साइड में ले, पीठ पर चेस्ट पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, सम। अब गोलाकार घुमाएं, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आएं। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब पीछे से आगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, सम्पन्न दोनों हाथ कंधों के समानांतर। स्पेशल एक्सरसाइज फॉर हैंड, पूरे हाथ के लिए। कंधों का दर्द, हाथ में दर्द सभी दूर होते हैं। कलाई से 90 डिग्री का कोण। अब हाथों को ऊपर नीचे ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उंगलियां नीचे की ओर, हाथ कंधों के लेवल में रहे। कोशिश करिए कोई भी जबरदस्ती ना करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथों को सी रोटेशन में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। टॉस टू हेड, लूज योर बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। कहीं भी अकड़न ना रहे, तनाव ना रहे, रिलैक्स। तैयार, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, आगे से पीछे उल्टा, हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर। हाथों पर आने वाले प्रेशर का अनुभव करें, भावना करें। हाथों में रक्त का संचार अच्छा हो रहा है, हाथों का दर्द दूर हो रहा है। एक, दो, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फ्रोजन शोल्डर के लिए मैं स्पेशल एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। कंधों में दर्द हो, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा हो, कंघी नहीं हो रही हो, खाना खाने को नहीं हो रहा हो, राइट हैंड सामने, डमरू मुद्रा, सभी उंगलियों को खोल दें। यस, ऊपर की ओर जाएं, पूरे हाथ में वाइब्रेशन होना चाहिए। पूरा हाथ ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे नीचे लाएं। अपनी क्षमता के अनुसार वाइब्रेशन दे रहा है, जितना अच्छा हिलाएंगे आगे से उतना अच्छा वाइब्रेशन है। फ्रोजन शोल्डर से तुरंत राहत पाए, बहुत अच्छा प्रयोग। अब यही प्रयोग लेफ्ट हैंड से करिए।
हाथ में होने वाले प्रकंपनों का वाइब्रेशन का अनुभव करें। सामपन, अब दोनों हाथ से एक साथ करेंगे, यस। संपन्न, जैसे जैसे आपके हाथ की क्षमता बढ़ती जाए वैसे वैसे 5 आवृत्ति 10 आवृत्ति 15 आवृत्ति कर सकते हैं और फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारी से आप राहत पा सकते हैं। आप सब जानते हैं फ्रोजन शोल्डर से लोग कितने परेशान हैं, खाना खाने में भी हाथ ऊपर नहीं जाता है। उन सब के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।